सो गाइस फाइनली फ्री फायर ने सर्वर न्यू वेपन रॉयल ऑपरानो सिंह आ चुके हैं। इस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस वीडियो के अंदर एंड इसका एक छोटा सा टेस्ट भी करके दिखाऊंगा निकालने के बाद। तो यार वीडियो पूरा आखिर तक देखना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना हमारी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, और गाइस बात करते हैं अपने इस न्यू वेपन रॉयल की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो मेरा बस एक ही स्पिन करना है एंड मुझे ये न्यू ग्रोजा की स्किन मिल जाएगी। पहले इसकी एबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा, सॉरी एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो सिंगल एक्यूरेसी एंड डबल आर्मर पेंट्रेस। आपको पता है ग्रोजा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है भाई फ्री फायर के अंदर, बहुत ज़्यादा तगड़ी। ठीक है, इसे इसके अंदर अच्छा रेट ऑफ फायर भी, डैमेजिंग भी अच्छी है, और साथ में इसमें आपको सिंगल एक्यूरेसी एंड डबल आर्मर पेंट्रेस मिल जाता है, तो भाई और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल कोई चेंजेस नहीं आएगा स्किन में, और भाई देखो मैं आपको वन स्पिन में ही निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, निकल ही जाएगा क्योंकि मैं अल्लाह का आप देख सकते हो 99 का है, तो भाई एक सेकेंड। ठीक है, सो गाइस हमारी जो वेपन है वो निकल चुकी है एंड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपी लग रही है। इस बार का जो इनक्यूबेटर है ओपरानो, मतलब उसी के साथ की है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीन शॉट यहाँ से एंड ओके। सो गाइस एज यू कैन सी मेरा यहाँ पर एक स्पिन निकल गया एंड मुझे बट थोड़े और स्पिन मारने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े और स्पिन वैसे मारने ही पड़ेंगे मुझे, तो गाइस मैं यहाँ पे 10 का एक बड़ा वाला स्पिन मारूंगा। मेरे पास स्किन निकल चुके बट फिर भी मुझे यहाँ पर मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो वाउचर से गाइस वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वही वेपन्स, ठीक है, और देखते हैं कितने हमारे पास एक्स्ट्रा वाउचर्स हैं। तो 9 वाउचर्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं और हमें यहाँ पर 30 के स्पिन मारने में मिलेगा। चलो यार, तो 9 वाउचर से स्पिन हम यहाँ पर मार देते हैं। ठीक है, तो गाइस फटाफट मैं यहाँ पर 9 वाउचर से स्पिन मार देता हूँ और फिर चलते हैं। ठीक है, इसका गेम प्ले मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा। ओके, आई थिंक हो गया होगा, 2 बचे हैं, तो ठीक है चलो हो गया। तो इसे पहले मैं सोनी लॉबी करता हूँ एंड फिर इसकी एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, किस किस तरीके की है एंड मेरे पास पहले से ये वाली थी डबल डैमेज वाली, तो चलो हम चलते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो हेड भी देखेंगे इसका और कैसा ही है। ठीक है, हेड कितने का पड़ रहा है और बाकी सब। तो ट्रेनिंग ग्राउंड हमारा बस खुल गया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ। ओ यार सोन लॉबी करना भूल गया। ठीक है, अब यहाँ से परचेज करना पड़ेगा। कहाँ गई ग्रोजा, एक सेकंड, ग्रोजा इसके अंदर है भी कि नहीं यार, ये भी तो मुझे याद नहीं है, होगी वैसे ये रही। तो अगर मैं बात करूँ सो चलो चलते हैं। ठीक है, तो बॉडी आप देख सकते हो 37 का पड़ रहा है, और अगर मैं हेड की बात करूँ 203 का पड़ रहा है जो कि सही है। और अगर मैं इसे थोड़े से वेस्ट वगैरह पहना दूँ, लेवल 4 के हेलमेट और वेस्ट, तो गाइस लेवल 4 के हेलमेट और वेस्ट के साथ आप हेड देखो 110 का पड़ेगा, मतलब काफ़ी सही है। ठीक है, 110 का हेड पड़ेगा और बॉडी 37 की है, नहीं बॉडी 17 की हो जाएगी आपकी, बट पैर और हाथ पे अगर आपकी गोलियाँ लगती यहाँ पर देखो पैर और हाथ पे तो 37 का। ठीक है, अगर आप नीचे पैर पे मारते हो ठीक है तो 37 का पड़ेगा आपका। तो ये कुछ इसकी एबिलिटी है। ठीक है, देख सकते हो आप, अगर आपको निकालना है तो ज़रूर निकालना। और मेरा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बता के जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो का भी जैसे लाइक, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और डायमंड चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है, डाउनलोड करो, गेम खेलो उसके अंदर और अर्निंग करो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।